नमस्कार। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत माता ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा सर की। आप सभी को पता है कि रतन टाटा सर अभी हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा सर से मेरी एक यही गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं पर भी हो, आपके ज्ञान की रोशनी, आपकी लीडरशिप की रोशनी, आपकी सिंप्लिसिटी से भारत को और पूरे विश्व को जगमगाए रखना। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। रतन टाटा सर के योगदान को याद करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट ने भारत की हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाने में किस प्रकार से योगदान दिया है, किस प्रकार से काम किया है। रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा समूह और टाटा ट्रस्ट ने कई सारे हेल्थ प्रोजेक्ट्स को ना केवल फंडिंग प्रोवाइड की है, लेकिन दिलो जान से उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद भी की है और कई सारे ऐसे हेल्थ इनिशिएटिव्स भी लाए हैं ताकि भारत की जो हेल्थ केयर व्यवस्था है अच्छे से अच्छी बन पाए, बेहतरीन बन पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो पाए, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी हो पाए, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अच्छी हो पाए, छोटे से छोटे लोगों तक भी बढ़िया से बढ़िया इलाज पहुँच पाए। तो उन प्रयासों को याद करते हुए कुछ कंट्रीब्यूशंस के बारे में अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। नंबर एक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंसर केयर इनिशिएटिव। रतन टाटा सर का एक मुख्य उद्देश्य था, एक फोकस था कि भारत के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट अफोर्डेबल बन पाए, उसकी रिसर्च अच्छे से हो पाए, अभ्यास अच्छे से हो पाए, ताकि छोटे से छोटे लोगों तक भी अच्छे से अच्छा इलाज पहुंच पाए। उस हेतु से उन्होंने कई सारी अस्पताल का निर्माण किया, कई सारी फैसिलिटीज का निर्माण किया, कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, तो उसके बारे में वन बाय वन हम जानते हैं। उसमें से एक है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। सन 1941 में रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा समूह ने मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज कैसे अच्छे से हो पाए, एफोर्डेबल हो पाए, रिसर्च और अभ्यास कैसे हो पाए, अच्छे से हो पाए, यही था, जिसका फायदा भारत और दुनिया के कई सारे देशों के लाखों लोगों को हुआ। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर ग्रिड NCG। पूरे भारत के तकरीबन 260 से भी ज़्यादा कैंसर सेंटर को एक साथ इकट्ठा करना कोई आम बात नहीं है। रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा समूह ने, टाटा ट्रस्ट ने NCG के जरिए, यानी कि नेशनल कैंसर ग्रिड के जरिए भारत देश के तकरीबन 260 से भी ज़्यादा कैंसर सेंटर को इकट्ठा किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्डाइज हो पाए, इतनी सक्षम हो पाए कि जल्द से जल्द कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज हम कर पाए। नेक्स्ट है अफोर्डेबल कैंसर केयर इनिशिएटिव। देखिए, आप भी जानते हैं कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसे अफोर्ड नहीं कर पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सारे ऐसे छोटे छोटे गांव, छोटे इलाके, छोटे शहरों में कैंसर केयर के सेंटर स्टार्ट किए, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटेड कैंसर केयर मॉडल में छोटे से छोटे जो गांव के सेंटर होते हैं उसे बड़े से बड़ी हॉस्पिटल के साथ जोड़ा गया, ताकि सभी को जल्दी से अफोर्डेबल रेट में अच्छे से अच्छा इलाज मिल पाए। नेक्स्ट है स्टेट वाइड कैंसर केयर नेटवर्क। टाटा ट्रस्ट ने अलग अलग राज्यों की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर केयर फैसिलिटीज की स्थापना की, ताकि जो भी कैंसर के मरीज है ज़्यादा से ज़्यादा मरीज तक या फैसिलिटी, उसका ट्रीटमेंट पहुँच पाए। नंबर दो है टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता। सन 2011 में रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा समूह ने कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर की स्थापना की। यह मेडिकल सेंटर का सबसे बड़ा एक लक्ष्य उद्देश्य यही है कि जिन लोगों तक कैंसर केयर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है, जो लोग कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, खास करके पूर्वीय राज्यों में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो उन लोगों तक अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट पहुंच पाए, इस प्रकार से ऐसे मेडिकल सेंटर की स्थापना की जिसमें जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है कैंसर के इलाज के लिए, जो भी लेटेस्ट सुविधाएं हैं, जो भी मेडिसिन है, वो सभी एक जगह पर उपलब्ध हो पाए। नंबर तीन है रूरल हेल्थ इनिशिएटिव। भारत के छोटे गाँव, छोटे कस्बों में जो हेल्थ केयर सिस्टम होती है उसे सपोर्ट करने के लिए रतन टाटा सर ने रूरल हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके अंतर्गत लगभग सभी लोगों तक अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटी पहुंच पाए, उसके लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट की शुरुआत की थी। इसके अलावा जो छोटे गांव है, छोटे कस्बे हैं, वहां के बच्चे, वहां की गर्भवती महिला, वहां के ज़रूरतमंद लोगों को अच्छी मात्रा में पोषण मिल पाए, न्यूट्रिशन मिल पाए, उस हेतु से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी स्टार्ट किए थे। इसके अलावा लोगों का फोकस हाइजीन पर हो जाए, लोगों को यह पता चल पाए कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो खराब खान पान, खराब हाइजीन, खराब सैनिटेशन से फैलती है, उस उद्देश्य से
वॉश प्रोजेक्ट WASH, जिसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, उस पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया ताकि लोगों को जागरूकता मिल पाए, लोग जागरूक हो पाए और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे वह लोग बच पाए। नंबर 4 है इनिशिएटिव इन मेडिकल रिसर्च। यूनाइटेड किंगडम की किंग्स कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करके, कोलोबरेट करके रतन टाटा सन ने टाटा ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर की शुरुआत की, जिसमें कैंसर बायोलॉजी, ट्रीटमेंट इनोवेशन और पेशेंट सेंट्रिक रिसर्च पर काम किया जाता है। इसके अलावा भारत की कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके उनकी मदद भी की, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इत्यादि। नंबर 5 है ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक। आप सभी जानते हैं कि COVID-19 पेंडेमिक के दौरान भारत के लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। उस दौरान रतन टाटा सन ने 500 करोड़ का एक रिलीफ फंड अनाउंस किया था, जिसका उपयोग भारत में COVID-19 की टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए PPE किट, वेंटिलेटर्स और दूसरी ऐसी सामग्री जो COVID-19 की ट्रीटमेंट में जरूरी है, उस पर उसका खर्च किया गया था। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के साथ कोलोबरेट करके मॉड्यूलर हॉस्पिटल की शुरुआत की, ताकि लोगों को जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए। इसके अलावा जो लोग रिमोट एरिया में हैं, जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाए थे, वहां पर डिजिटल माध्यम से कंसल्टेशन पहुंचाया, साथ ही साथ जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है लोगों को आगाह किया। नंबर 6 है टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी TIGS। सन 2017 में रतन टाटा सर ने बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी की स्थापना की, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, लैब साइंसेस के ऊपर जो भी एडवांस रिसर्च है उस पर काम किया जाता है, जहां पर जो भी जेनेटिक रोग है, अलग अलग विभिन्न जेनेटिक रोग है, उसके इलाज के लिए जो डिफरेंट टूल्स होते हैं उसे डेवलप किया जाता है, ताकि ये जो भी असाध्य रोग है उसका इलाज जल्द से जल्द शक्य हो पाए। नंबर 7 है पार्टनरशिप विद ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रतन टाटा सर के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने न केवल भारत में बल्कि विश्व की दूसरी कई सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके, कोलोबरेट करके बहुत सारे उम्दा काम किए हैं। टाटा ट्रस्ट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, मलेरिया और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का फैलावा किस तरह से हम रोक सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है, जरूरी फंडिंग भी प्रोवाइड की है। तो इस प्रकार से बहुत ही उम्दा काम किए हैं। देखिए, मुझे भी पता है कि यहाँ पर जो मैंने 7 पॉइंट्स कवर किए वो इनफ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पर नहीं बताया, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो, ताकि जो लोग कमेंट पढ़े उसे पता चल पाए, उसका नॉलेज भी बढ़ पाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।